हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मेरे गले का हालत इतना ज़्यादा ख़राब था, इन दिनों मैं वीडियो नहीं कर पाई। सो ऑलमोस्ट आधा घंटे पहले हम लोग ट्रेन से उतर चुके थे और एकदम हमारे होटल के पास में ही हम लोग जस्ट ड्रॉप होने वाले हैं हमारे होटल के लोकेशन पे। तो हमारा जो ये वाला होटल था ना, ये ऑलरेडी हमने लास्ट जब हम लोग आए थे इसी होटल पे रुके थे। लेकिन अभी का बस खास बात है, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पे जो स्विमिंग पूल था वो बन रहा था, अभी पूरा बन चुका है और काफ़ी कुछ अलग है पहले से। अनुषा वॉज सो हैप्पी क्योंकि अनुषा ने ना गाड़ी में आराम से अपना जो नैप है वो कंप्लीट किया, क्योंकि बहुत जल्दी उठी थी ना, तो पूरा ट्रेन का जर्नी भी उसने इंजॉय किया। बस आते टाइम गाड़ी का जो भी जर्नी था उसने बस सोया है। सो फाइनली दिस इज़ आवर रूम, जो कि अभी अनुषा ने पूरा ही गंदा कर चुकी है क्योंकि बेड के ऊपर पूरा पानी से उसने चला था, बेड पूरा गीला हुआ है। लेकिन सामने हमारा व्यू देख सकते हैं, स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए अलग स्पेस और बड़ों के लिए ऑब्वियसली अलग, जैसे कि नॉर्मली होते हैं। और एकदम हमने दोनों हमारा जो रूम है एकदम पास पास में लिया है ताकि बच्चे लोग आराम से इंजॉय कर पाए। सो रूम पे जाके तुरंत हमने कपड़े वगैरह चेंज किया बिकॉज हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग काफ़ी लेट है हमारा, बट अब क्या ही कर सकते हैं, अभी हम लोग जस्ट आए थे और अनुषा को भी भूख लगी है, तो इसी वजह से हम लोग आ चुके हैं कपड़े वगैरह चेंज करके। ये देख सकते हैं हमारा जो आज का ब्रेकफास्ट है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। तो हमारा ब्रेकफास्ट में आज है पूरी, साथ में यहाँ पे मटर की जो सब्ज़ी होता है हम लोग बंगाली में से बोलते हैं घुगनी, वही बना है। अनुषा ने अलग से मंगाया है मैगी, उसको मैगी खाना था, बट पूरी लेने के बाद ना अनुषा ने एक बार भी मैगी को टच नहीं किया, उसे तुरंत अपना खाना चेंज किया और मैगी को मुझे ही खाना पड़ा। उसने पूरा पूरी इंजॉय किया, फिनिश किया। फाइनली घर पर आके हमने वेट नहीं किया, मैंने कपड़े फिर से चेंज कर लिया है और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल पे। बच्चे लोग बहुत बोल रहे थे हमें जाना है, हमें जाना है, तो इसी वजह से हम सभी लोग तैयार हैं स्विमिंग पूल पे जाने के लिए। वैसे अनुषा के पापा और मेरे फ्रेंड के जो हस्बैंड है वो रूम पे ही है। हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ से, मुझे लग रहा था कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करें, लेकिन ये फ़ोटो नहीं था, ये वीडियो था, हम लोग ऐसे ही खड़े थे। उसके बाद कुछ देर हम लोग जब यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ, अनुषा के पापा ने कहा कि अभी तुम लोग पूल पे निकल जाओ, आई मीन ऑब्वियसली बच्चों के ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी अनुषा के पापा हमें ज्वाइन करेंगे। तो जब अनुषा के पापा ने हमें ज्वाइन किया तब बच्चों को देखने का जो भी था वो अनुषा के पापा ने देखा और हम दोनों अपने अपने पूल पे गए, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और यहाँ से हम लोग कहाँ पे जाएंगे वो भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए हम सॉरी। गले का हालत ना अभी भी ठीक नहीं है, बट क्या ही करूँ, अभी मुझे लग रहा था कि अभी बहुत दिन हो चुके हैं व्लॉग अपलोड करना चाहिए, तो अभी मैं आ चुकी हूँ फाइनली। ওইটা বড় কিন্তু ওটা যেতে রে কি ফোনটা ওখান থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে।
few moments later. यहाँ पे आके पूल को हमने एंजॉय किया, बट देखिए समुंदर में आके समुंदर का नज़ारा अगर ना ले तो क्या ही करे। इसी वजह से ना हमने तुरंत पूल से निकल के आ चुके हैं समुंदर के यहाँ पे। अनुषा वाज सो एक्साइटेड, अनुषा का फेस देख के आपको पता चल सकता है। फाइनली नहा के फ्रेश होके हम लोग जब लंच करने आए, अनुषा ने मेरे हाथ से खाने से पूरा मना कर दिया। उसको खाना नहीं था मेरे साथ, और अभी इंजॉय कर रही है, और मेरी जो फ्रेंड है वो ही खिला रही है अनुषा को। लंच करके आने के बाद अभी ये तीनों तो इंजॉय करने वाले हैं फुल बालकनी में, और काफ़ी अच्छा स्पेस है, बच्चे लोग इंजॉय कर पा रहे हैं। हम दोनों अभी नैप लेने वाले हैं एक लंबा वाला, क्योंकि मुझे पता है कि इन तीनों का तो अभी कोई भी सोने का प्लान नहीं है। इन तीनों ने अपना अपना नैप ले चुके हैं अभी। हम दोनों अनुषा के पापा और मैं थोड़ा बहुत नैप वगैरह लेंगे, और मेरी जो फ्रेंड है और उनके हस्बैंड वो भी अपने रूम पे सो रहे हैं, और ये तीनों मेरे रूम के जो बालकनी है यहाँ पे खेल रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं ना घर से बहुत सारे खिलौने लेके आई थी ताकि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें परेशानी ना करे। ड्राइंग बुक से लेके खिलौने से लेके इवन क्ले वगैरह जो भी था मेरे पास नया, सब कुछ मैं लेके आई हूँ। तीनों अभी आराम से इंजॉय कर रहे हैं, सो देखते रहिए, साथ रहिए। गुड इवनिंग गाइस। तो फिलहाल शाम के टाइम पे हम लोग निकल चुके हैं, सभी ऑलरेडी पीछे हैं और अनुषा अपने पापा के साथ सामने हैं। दिखाती हूँ, और बस आसपास में घूमेंगे, देखते हैं क्या लेते हैं क्या कुछ नहीं। कोलकाता का जो वेदर था ना वो अभी इतना ज़्यादा हाई पे चल रहा था, 34-33 ऐसा कुछ, बट यहाँ पे आके ऐसा मौसम मिलेगा हमें, ये सच में हमने नहीं सोचा था। एक दिन हमने नॉर्मल स्पेंड किया, दूसरे दिन बारिश, जो कि आई थिंक सोने पे सुहागा, ऐसा मोमेंट था हमारे लिए। बहुत इंजॉय किया सभी के साथ, वेदर बहुत ब्यूटीफुल है। और मुझे लगता है कि जितना भी आप लोग बोले कि हमारे यहाँ से ना बीच के साइड का एरिया हवा वगैरह ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो आराम से अभी आप लोग जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बीच के रास्ते से चल के हम लोग जाएंगे मार्केट के, यहाँ पे कुछ खरीदेंगे खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह, अनुषा के लिए भी शॉपिंग वगैरह थोड़ा बहुत करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।